अंडरग्राउंड शैतान जेसीबी कार रोबोट। कुछ दिनों से जमीन पर खड़ी गाड़ियां अपने आप जमीन के अंदर धंसकर गायब होने लगी। शुरू शुरू में लोगों को लगा कि यह शायद भूकंप की वजह से हो रहा है, पर अगर भूकंप होता तो पूरे इलाके में उसके झटके महसूस होते। लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। जहां पर गाड़ी खड़ी होती बस वही की जमीन फटकर गाड़ी उसमें समा जाती। ये काम भूकंप का तो नहीं हो सकता था। शहर की पुलिस, नगर पालिका सबने इसकी खूब छानबीन की। ये तो अच्छा था कि किसी भी प्रकार की जीवित हानि नहीं हुई। ये सब मामला देखकर पुलिस कहती है, सब जगह छानबीन कर ली पर कहीं भी कुछ भी नहीं हासिल हुआ। अब ऐसा लग रहा है जमीन के अंदर जाकर ही कुछ पता चलेगा। जहां बड़े बड़े गड्ढे बने हैं उसके अंदर जाकर ही छानबीन करनी पड़ेगी। पर किसी इंसान को, चाहे वो पुलिस वाला हो या हमारा कर्मचारी, किसी को उस गड्ढे के अंदर भेजना यानी उसके जान को खतरा हो सकता है। किसी को भी नहीं पता कि उन गड्ढों में ऐसी क्या चीज है जो गाड़ियों को अंदर खींच रही है। उनमें से कुछ गड्ढों की खुदाई करते हैं, देखते हैं शायद कोई सुराग हासिल हो जाए। तब पुलिस एक बड़े से जेसीबी की मदद से उनमें से सबसे बड़े गड्ढे की खुदाई शुरू कर देते हैं। एक दिन में वहां गड्ढे और बड़े हो गए और कुछ सुरक्षा यंत्रणा की निगरानी में उनकी छानबीन शुरू कर दी गई। छानबीन के बाद वहां बड़े बड़े पंजों के निशान और कुछ लार के अवशेष प्राप्त हुए, जिससे लोगों ने यह तर्क लगाया कि शायद ये किसी बड़े जानवर या किसी अजीब शैतान का काम है। पर उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी गाड़ियों से क्या दुश्मनी है और वो उन्हें जमीन के अंदर खींचकर क्या करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक उन खोई हुई गाड़ियों का कहीं भी पता नहीं चल पाया था। और तो और, छानबीन से यह भी समझ में आ रहा था कि वो गड्ढे आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। ये सब देखकर ऑफिसर और पुलिस कहते हैं, यहां तक की छानबीन तो कर ली, यह भी बात समझ में आ गई कि किसी बड़े से शैतानी जानवर का यह सब काम है, जिसे ना तो आज तक हमने देखा है ना इसके बारे में हमने सुना है। अब इसे रोकने के लिए हम इंसानों की जान दांव पर नहीं लगा सकते। ठीक कहा सर आपने, मैंने भी इसके बारे में सोचा और आखिरकार जेसीबी कार रोबोट की मदद लेने की ठान ली। वो किसी भी समय हमारी मदद के लिए यहाँ आता ही होगा। बस हमें 2-4 खराब बंद पड़ी हुई कारें यहाँ शैतान के चारे के लिए रखनी होगी, ताकि उस शैतान को जेसीबी कार रोबोट आसानी से पकड़ पाए। कुछ ही समय में जेसीबी कार रोबोट उस ठिकाने पर पहुंच गया। चारे के तौर पर कुछ कारों को वहां पर रखा गया था। जेसीबी रोबोट भी उन्हीं कारों के पास उन पर निगरानी रखे हुए खड़ा था कि तभी अचानक जमीन टूटने की आवाज आने लगी। सबकी निगाहें कारों पर थी, पर इस बार उस शैतान का शिकार खुद जेसीबी कार रोबोट था। शैतान उसी को ही अपने साथ जमीन के अंदर ले गया। जेसीबी कार रोबोट भी बिना विरोध किए उसके साथ चला गया। और यहाँ पुलिस वाले और बाकी ऑफिसर चिंतित हो उठे कि हमने जिसे मदद के लिए बुलाया वो खुद ही उसका शिकार हो गया। आप सब चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि जेसीबी कार रोबोट उस शैतान को सबक जरूर सिखाएगा। हमें बस किसी भी तरह उस पर नजर रखनी है। वहां देखो अंदर से कुछ आवाजें भी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं। हर पुलिस अफसर किसी ना किसी गड्ढे के पास जाकर खड़े हो गए और उसके अंदर झांकने लगे। अंदर से बस आवाजें नहीं आ रही थी बल्कि वो शैतान भी गुस्से से जोर जोर से गुर्रा रहा था। अचानक दोनों लड़ते लड़ते उस बड़े से गड्ढे के नीचे आ गए और सारे अफसर उनकी लड़ाई देखने के लिए उस गड्ढे के पास जाकर खड़े हो गए। वो एक भयानक शैतान था, शायद वो इंसानों को खाने के लिए वहां गाड़ियों को जमीन के अंदर खींच रहा था, पर हमेशा उसके हाथ सिर्फ खाली गाड़ियां ही लग रही थी। इंसान अभी तक उसके पहुंच से बचे हुए थे। वो काफी भूखा और गुस्से में नजर आ रहा था। जेसीबी कार रोबोट उससे भी ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला था। उसने देखते ही देखते उस शैतान की गर्दन धड़ से अलग कर दी और बड़े ही आराम से उसे जमीन से बाहर लाकर पटक दिया और खुद फिर से जमीन के अंदर चला गया। ये क्या, ये फिर से जमीन के अंदर क्यों चला गया? क्या कोई और शैतान भी अंदर है क्या? यह तो उसके वापस आने पर ही पता चलेगा सर, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। आधे घंटे के बाद जेसीबी कार रोबोट अपने साथ कई सारी टूटी फूटी कार लिए वापस जमीन पर आ गया। ये वही कारें थी जिन्हें उस शैतान ने जमीन के अंदर खींच लिया था। जेसीबी कार रोबोट ने अंडरग्राउंड शैतान से शहर को बचाया और खोई हुई कारों को भी वापस दिलाया। पुलिस शैतान की बॉडी को अपने साथ ले गई
तो दूसरी ओर उन बड़े बड़े गड्ढों को और धसी हुई जमीन को वापस से ठीक करने का काम बाकी कर्मचारियों ने अपने जिम्मे ले लिया। गोल्डन ट्रैक्टर रोबोट वर्सेस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर। एक सूखे हुए तालाब के पास कुछ अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। भूकंप से वो सूखा हुआ तालाब हिलने लगा और देखते ही देखते उसके दो टुकड़े हो गए। सूखी जमीन को चीरता हुआ एक शैतानी हाथ उसमें से बाहर निकला। वो हाथ एक मगरमच्छ का था, पर वो कोई साधारण मगरमच्छ नहीं, एक महाकाय शैतानी राक्षस मगरमच्छ था। ना जाने वो सूखे तालाब के नीचे कितने वर्षों से दबा हुआ था और आखिरकार वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो चुका था। न जाने कितने वर्षों से मैं यहाँ कैद था, इतने वर्षों के इंतजार के बाद मैं यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हुआ हूँ। अब इस दुनिया पर मेरा राज होगा। मेरी शक्तियाँ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। अब हर किसी को मेरे सामने झुकना ही होगा। वो मॉन्स्टर क्रोकोडाइल अपने मुंह से आग उगलता हुआ आगे बढ़ने लगा। चारों ओर उसने आग ही आग फैला दी, उस जंगल को तहस नहस करके रख दिया। जंगल में अपने जानवरों को चराने लेकर आए चरवाहों ने यह फैली हुई आग देख ली और वो अपने जानवरों के साथ वहां से भाग खड़े हुए। उनमें से एक ने क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को देख लिया था, पर उसे खुद की आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह मगरमच्छ की तरह दिखने वाला राक्षस यहाँ कहाँ से आ गया? अरे लगता है डर के मारे तेरा दिमाग खराब हो चुका है। राक्षस जैसी कोई चीज नहीं होती। अपने जानवरों को संभाल और यहाँ से जल्द भाग निकल। उन चरवाहों के मुखिया के पास एक मोबाइल फोन था। उसने तुरंत मदद के लिए पुलिस को फोन किया। पुलिस भी ये सब सुनकर हैरान हो गई। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड वालों को उस आग को बुझाने के लिए भेज दिया, पर अभी तक क्रोकोडाइल मॉन्स्टर वाली बात पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि तभी अचानक वो पहला चरवाहा जोर से चिल्लाया और उसने एक और उंगली दिखाकर इशारा किया। बाकी चरवाहों ने उस तरफ देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्रोकोडाइल मॉन्स्टर अपने मुंह से आग उगलता हुआ वहां से गुजर रहा था। उस मुखिया ने अपने मोबाइल में उसका वीडियो बनाकर तुरंत पुलिस वालों को भेज दिया और बाकी सब खुद उससे छुपकर एक जगह बैठ गए। काफी देर तक उसी जगह वो छुपे रहे, लेकिन अचानक क्रोकोडाइल मॉन्स्टर ने उन्हें सूंघ लिया और वो उनकी तरफ बढ़ने लगा। उन चरवाहों की धड़कन उस मॉन्स्टर को उनकी तरफ आते हुए देख मानो थम सी गई। उन्होंने अब खुद के जीने की उम्मीद ही छोड़ दी कि तभी अचानक उनके और क्रोकोडाइल मॉन्स्टर के बीच एक गोल्डन ट्रैक्टर रोबोट आकर खड़ा हो गया, जिसे देख क्रोकोडाइल मॉन्स्टर कहता है, ये क्या नई चीज है? ये तो कोई इंसान नहीं लग रहा, पर अगर ये इन इंसानों को बचाने आया है तो ये भी मेरा दुश्मन है। सबसे पहले मैं इसे ही खत्म करूंगा। गोल्डन ट्रैक्टर रोबोट को देखकर चरवाहे और भी डर गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह बचाने आया है या क्रोकोडाइल मॉन्स्टर की तरह मारने आया है। पर अचानक गोल्डन ट्रैक्टर रोबोट ने क्रोकोडाइल मॉन्स्टर पर हमला कर दिया, जिसे देख चरवाहों को थोड़ी राहत मिली। क्रोकोडाइल मॉन्स्टर गोल्डन ट्रैक्टर रोबोट को अपनी आग की लपटों से जलाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर रोबोट उस आग की लपटों में और भी ज्यादा चमक उठता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे उस आग से और शक्ति और ताकत भी मिल रही हो। यह देखते ही मॉन्स्टर गुस्से से लाल पीला हो गया। ओह, इस पर मेरे जादुई आग का असर क्यों नहीं हो रहा है? लगता है अब मुझे इसे ताकत से ही हराना होगा। रोबोट और मॉन्स्टर आपस में लड़ने लगे। काफी देर तक मॉन्स्टर ने रोबोट को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, पर उसके हाथ कामयाबी हासिल नहीं हुई। फिर अचानक रोबोट ने क्रोकोडाइल मॉन्स्टर के दिल पर वार किया और एक ही झटके में उसका दिल उसके शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। ऐसा करते ही क्रोकोडाइल मॉन्स्टर खुद की ही आग में जलकर राख हो गया। उसका काम तमाम करने के बाद रोबोट ने फैली हुई आग को काबू में किया, जिसे देख चरवाहे खुश हो गए और वो रोबोट के सामने आ पाते इससे पहले ही गोल्डन ट्रैक्टर रोबोट वहां से गायब हो गया।